जय गो माता। दोस्तों, आज जो इस प्रकार से लंपी महामारी चल रही है, उसमें बहुत सारी गायों को लंपी होने के बाद न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, उसमें भी प्रोटीन डेफिशिएंसी खास करके होती है। प्रोटीन डेफिशिएंसी में ये जो जगह है ना, ये पूरी पानी का भर जाता है। तो कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर बुला के उसमें से पानी निकाला, ऐसे भर जाता है। ये जब भर जाता है तो ये प्रोटीन जब बॉडी में डिस्प्यूज होने लगता है ना, तो एक जगह पे सूजन आती है। एक्चुअली वो पानी नहीं होता, हकीकत में पानी का भ्रमण डाउन जाता है तो ये सूजन जैसा हो जाता है। तो जब भी ऐसा सूजन आता है तो उस सूजन में प्रोटीन युक्त खाना देना चाहिए। प्रोटीन युक्त खाने में जैसे आप लगाओ रोज का 200 ग्राम मशरूम खिला सकते हो, ठीक उसी प्रकार से गाय के घी में भूंजा हुआ मशरूम, गाय के घी में भूंजा हुआ 1 किलो उड़द का दलिया दे सकते हो, गाय के घी में भूंजा हुआ कॉटन भी दे सकते हो। कुल मिला के उसको अलग अलग प्रोटीन देना चाहिए। जो प्रोटीन बॉडी में रिलीज होगा तो अपने आप ये सूजन कम हो जाएगी। मेरी यही गाय को ऐसा हुआ था, ये जो आप नज़र के सामने देख रहे हैं, एक ये हो गया और दूसरा इसके ऊपर आप दर्दनाशक तेलों का मसाज कर सकते हो, और उस मसाज के कारण जो भ्रमण पानी का शरीर के अंदर कम हुआ है, विघटित हुआ है, वो फिर से सक्रियता की ओर आ जाएगा और काफ़ी उससे फायदा मिलेगा। तो जिस प्रकार से ऐसी महामारी से गाय जूझ रही है, उसमें एलोपैथी नहीं करना ऐसा मेरा कोई सजेशन नहीं है, परंतु अपने घरगथ्थु और आयुर्वेदिक ये भी करना चाहिए। अकेले डॉक्टर के आधार पर बैठ जाना ये हमारी गलत आदत है। डॉक्टर साहब आएंगे, इंजेक्शन विटामिन्स गोलियां इंजेक्शन जो भी आता है वो लगाएंगे, पर साथ साथ में आपको ऐसे देसी नुस्खे भी करने पड़ेंगे, ताकि उसके कारण जो है जल्दी से जल्दी गाय अपनी गोमाता रिकवरी में आ जाए। ऐसे समय में आप मूंग जो है उसको अंकुरित करो, लीव्स मूंग करके खिला सकते हो, उड़द उगा करके खिला सकते हो, चने जर्मिनेशन करके खिला सकते हो, मूठ जर्मिनेट करके खिला सकते हो। एक गाय को ये 300 से 400 ग्राम जर्मिनेट करके आप खिला सकते हो, और उसमें यदि नहीं खाती है गोमाता तो सेंधा नमक और गुड़ मिला सकते हो, गुड़ वाली रस्सी से भिगो दो उसको, कैसा भी करके गोमाता के पेट में जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो अंकुरित किए हुए प्रोटीन वाले अनाज है, धान जो, उसको आप कंटिन्यू 20-25 दिन दो। यदि उससे भी थोड़ा और ज़रूरत रहती है तो आप 1-1.5 महीना तक दे सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। और इसमें यदि आपकी सकुशलता है तो रोज़ गाय का घी 100 ग्राम डाल दो, और 100 ग्राम मशरूम तो रोज़ खिलाओ, 100 से 200 ग्राम मशरूम का पाउडर भी दे सकते हो। मैंने जो आगे बताया, उड़द अंकुरित करके दे सकते हो गाय के घी के साथ 100 ग्राम मूंग दे सकते हो, 100 ग्राम मूंगफली दे सकते हो, लेकिन मूंगफली अंकुरित नहीं होती, और 100 ग्राम चना दे सकते हो, 100 ग्राम मूठ दे सकते हो, उसमें 100 ग्राम ये मशरूम भी डाल सकते हो, और उसमें सब मिला के उसमें 100 ग्राम घी भी डाल सकते हो। ये धीरे धीरे आपको कम से कम 1 महीना तक देना है, और ये जो परिणाम है उसको आप, वो परिणाम आपको लगभग 22-25 दिन के आसपास मिलेगा। 8-10 दिन के बाद उसके बॉडी में ये प्रोटीन जाएगा, सेट होगा, तो धीरे धीरे ये सूजन कम होती जाएगी। ये मैंने प्रैक्टिकल प्रयोग किया हुआ है, किसी की कहरी हुई बात नहीं है, और कोई एलोपैथी के विरोध के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसमें आप एलोपैथी में कोई ऐसा प्रोटीन है जो इसको एकदम लेवल कर सकता है तो वो भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सहजन के पत्ते भी दे सकते हो, पपीते के पत्ते और शहद भी दे सकते हो, 100 ग्राम पपीते के पत्ते और 100 ग्राम शहद, इसमें 100 ग्राम सहजन के पत्ते और 100 ग्राम शहद भी दे सकते हो। इसमें सहजन के बीज भी दे सकते हो, सहजन की सींग भी दे सकते हो। यदि आपके पास हरा प्रोटीन है, जैसे फॉर एग्जांपल उड़द का पौधा, तो रोज 5 किलो उड़द का पौधा खिला सकते हो। यदि आपके पास मूंग का पौधा है तो रोज 5 किलो मूंग का पौधा भी खिला सकते हो। ऐसे माहौल में आप रोज 100 ग्राम भूमि आंवला का काढ़ा करके भी खिला सकते हो, रोज 100 ग्राम कालमेघ भी खिला सकते हो,
और रोज 100 ग्राम गिलोय का काढ़ा भी खिला सकते हो। जब अपनी गाय इस प्रकार की महामारी में फंस जाती है तो उसको लंबे समय तक बुखार रहता है तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी आती है। ज़्यादा हायर एंटीबायोटिक लग जाता है कोई बिन जरूरी तो भी प्रोटीन डेफिशिएंसी आती है, और ज़्यादा समय तक कंटिन्यूट बुखार रहता है तो ऐसे समय में वो खाना जिस प्रकार का मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो ऐसे कारण में ये सब ये प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। तो ये इसे ऐसे कारण में यदि ऐसी समस्या में गाय जूझती है तो कम से कम उसको प्रोटीन युक्त और विटामिन युक्त भले थोड़ा खाए, 5 किलो खाए पूरे दिन का, लेकिन प्रोटीन और विटामिन युक्त खाना मिलता है तो ये समस्या नहीं होती। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूले आप। मैंने तो वीडियो बना के पुण्य कमाता हूँ, लेकिन आप शेयर करके भी पुण्य कमा सकते हैं।